दोस्तों गर्मा गर्म पराठे के साथ अगर चटपटा मिर्ची का अचार मिल जाए तो बस क्या बात है। तो ये इंस्टेंट मिर्ची का अचार मैं आपको बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 100 ग्राम हरी मिर्ची ले ली है। इन्हें अच्छे से धो के एक अच्छे से साफ सुथरे कपड़े से हम इस तरह से इनको पोंछ लेंगे और पोंछ के सारी मिर्ची को एक साइड में रख लेंगे। इस मिर्ची को हम बीच में से काट देंगे और दो भागों में इसको स्लाइस कर देंगे। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें ड्राई रोस्ट मसाले तैयार करने हैं। उसमें एक चम्मच राई, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ और एक चौथाई चम्मच हम इसमें मेथी दाना लेंगे। मीडियम से लो आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों कि आंच को तेज ना करें वरना मसाले जल जाएंगे। बिल्कुल मसाले जलने नहीं चाहिए, भीनी भीनी सी खुशबू आनी चाहिए और अच्छे से रोस्ट हो जाने चाहिए। इसको हम कोर्स ग्राइंड करके रख लेंगे। अब मिर्ची में हम एक चम्मच नमक डालेंगे, उसके साथ ही आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अमचूर का पाउडर और दो चम्मच हमने जो पिसा हुआ मसाला है वो डाल देंगे। इसके बाद हम एक दूसरे पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेंगे। एकदम गर्मा गर्म ऑयल इसके हम ऊपर डाल देंगे इस तरह से। देखिए एकदम परफेक्ट मिर्ची जो है हमारी रेडी है। अब इसको अब अच्छे से मिक्स कर दें। तो बस दोस्तों बहुत ही इंस्टेंट और इजी तरीके से बनने वाली बहुत ही बढ़िया चटपटी मिर्ची का अचार तैयार है। देखा आपने, थोड़ी सी देर मुश्किल से 5 से 10 मिनट में हमने मिर्ची का अचार बना के तैयार कर दिया है। इसे आप कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और देखिए बिल्कुल 2 दिन में तो एकदम सॉफ्ट होके बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इसे चपाती के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए या गर्मा गर्म चावल में, बहुत ही बढ़िया है।